वायनाड उपनिर्वाचन लड़िबे प्रियंका गांधी। प्रियंका को कांग्रेस करछि लोकसभा प्रार्थी। राहुल आसन छाड़ीबा परे प्रियंका लड़ुछन्ते उपनिर्वाचन। दक्षिण भारतर केरलर वायनाड लोकसभा आसन को नहीं कांग्रेस एक बड़ राजनैतिक पदक्षेप नहीं। सेठारे हेबाकु थिबा उपनिर्वाचन में दलर साधारण संपादक प्रियंका गांधी दलर प्रार्थी हेबे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एआईसीसी अक्टोबर 15 रे एही घोषणा करिछि। एही आसनर प्रियंका गांधी मैदान को ओल्लाइबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण एहा पूर्वरु तांको भाई तथा लोकसभा रे विरोधी दलर नेता राहुल गांधी एही आसनर सांसद थिले। 2024 लोकसभा निर्वाचन रे से वायनाड एवं रायबरेली दुईटी विधानसभा आसनर प्रतिद्वंदिता करथिले एवं उभय जीतिथिले। तबे नियम अनुसार तांको गोटे सीट छाड़ पड़ा। एभली परिस्थिति में से वायनाड आसन छाड़ निष्पत्ति नहीं एवं रायबरेली आसन सांसद रही। यूपी रायबरेली आसन राहुल गांधी माँ सोनिया गांधी पारंपरिक आसन था। सेठे से एही लोकसभा निर्वाचन में निजर गोटी चलते यह सफल 2019 लोकसभा निर्वाचन में उभय आमेथी और वायनाड आसन प्रतिद्वंदिता करते किंतु आमेथी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी परास्त करथिबा बेले वायनाडर लोकमाने संसद को पठाइथिले। 2024 निर्वाचन में राहुल वायनाड एवं रायबरेली आसन प्रतिद्वंदिता करथिले एवं उभय आसन जितिबारे सफल होइथिले। परे बहु विचार विमर्श परे से वायनाडर इस्तफा देथिले। इस्तफा परे वायनाड लोकसभा आसन उपनिर्वाचन करबाक पड़िला। कांग्रेस मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे किसी दिन पूर्व घोषणा करते दल वायनाड प्रियंका गांधी को ऊपर निजर बाजी लगे पार। केरल वायनाड आसन 2008 मसीह सृष्टि होता से ही दिन ठारूँ आसन में केवल कांग्रेस प्रार्थी जीति आसुले। लोकसभा आसन में मोट 7टी विधानसभा आसन रही। 2009-2019 पर्यंत कांग्रेस एमआई सानवास आसन सांसद थे। यापर 2019 और 2024 लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीति। दिनक पूर्व निर्वाचन आयोग सांबादिक सम्मेलन अनुषित होता बेले प्रियंका गांधी ना एआईसीसी घोषणा कर। मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा निर्वाचन सहित 15 राज्य 48 विधानसभा आसन में उपनिर्वाचन तारीख घोषणा कर। वायनाड लोकसभा आसन पर उपनिर्वाचन 13 नवंबर अनुष्ठित होगा एवं 23 नवंबर में वोट गणना करा जीवो। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।